एके मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। आपके पास आता हूं एके मिश्रा जी, देखिए ये आपने तीनों को सुना है ना, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को भी, विपक्ष के भी और किसान नेता को भी, लेकिन यहां पे बात यही आती है कि जब उस वक्त पूरा मामला केंद्र में था, खूब सुर्खियों में था, बड़े बड़े किसान नेता वहां पे थे, विपक्ष के नेता वहां पे थे, तब ये हुआ कि साहब देखिए जो परिवारों की मांगे हैं उनको मान लिया गया है, आगे अब जो आश्वासन दिया गया है वो होगा। फिर इतने दिन बाद आज अचानक से रेल रोक दी जाती है, जाम लगा दिया जाता है, तरह तरह की परेशानियां आम लोगों को होती हैं, इसको हम किस नजरिए से समझें? देखिए पहले दिन से ही मैं हमेशा से ये बोलता रहा हूं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सब किसान के भेष में दूसरे लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, पिछले 4-6 महीने से खेती किसानी और किसानों की बात छोड़ के यहाँ पे सारी बातें हो रही है। अब ना कोई MSP की बात हो रही है, ना किसानों के भले की बात हो रही है, ना खेती बाड़ी की बात हो रही है। अब बात हो रही है तो रेल रोको जी, अब बात हो रही है बस रोको जी, अब बात हो रही है ट्रक रोको। इनमें से कोई भी आदमी खेती किसानी, MSP, स्वामीनाथन रिपोर्ट या एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, कोई बात हो रही है? इनको चाहिए बहाने। इन्होंने हत्या भी कर ली सिंघू बॉर्डर पे, अभी ये सोच रहे हैं हत्या भी करके देख लिया, इसके पहले भी रेल रोका था, ट्रेन रोका था, सारी चीजें कर ली है। तो इनकी नीयत ना शुरू से ही खोट है। इनका जो है किसान और खेती किसानी MSP, ये कानून तो बहाना है, ये सरकार को गिराना चाहते हैं ताकि देश का विकास रुक जाए। बंगाल में जाकर के इन्होंने कौन से खेती किसानी की बात की? जितने किसान बैठे हुए हैं इनको बोलो, 1 साल बीत गए, एक फावड़ा या कुदाल किसी ने चलाया? गेहूं का सीजन आ रहा है, अगर इतने ही ये किसानों के वो हैं तो जाकर के गेहूं की बुआई करे। न खेती की बात हो रही है, न किसानी की, न MSP की। इतने लोग मर गए, इतने किसान आंदोलन में मर गए, कोई ठंड से मरा, कोई किसी कारण से मरा, उनकी कोई बात नहीं हो रही है। उनके लिए न टिकैत के मुंह में जबान है, न किसी और के लिए जबान है। तो ये एक छद्म आंदोलन है इनका, इनकी कलई खुल गई है। पहले दिन से मैं ये बोल रहा था कि ये किसान के भेष में इनका एजेंडा कुछ और है। आज ये रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, कल ये बस रोको भी करेंगे, ट्रक रोको आंदोलन भी करेंगे, रिक्शा और साइकिल रोको भी आंदोलन करेंगे। ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को परेशान कर रहे हैं, और विपक्ष के इशारों पे नाचने वाले ये किसान हैं। मेरा सिर्फ यही बोलना है। ठीक है, तो किसान की समस्या को न मानना तो एक भारत के किसान का बहुत बड़ा अपमान है। और ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, शर्मनाक जो हमने लखीमपुर में देखा, हाँ। या सिंघू बॉर्डर पे देखा, हाँ। ये सब इसी का नतीजा है कि सरकार अगर इसी तरह इस आंदोलन से डिनायल में रही और इसके लिए कोई सोल्यूशन या किसानों से वार्तालाप का रास्ता नहीं शुरू किया जल्द, तो एक एनार्किक सिचुएशन जो बनती जा रही है, हाँ। वो हाथ में आ जाएगी। और उसमें मैं मानता हूँ कि फिर ये आगे चल के ये आंदोलन ऐसे लोगों के हाथ में ना चला जाए, हाँ। जो कि भारत में की बात में विश्वास कर रखते हो, हाँ। तो इसलिए मैं एक बात बस कहना चाहूंगा BJP और सरकार से और उनके नेताओं से कि किसानों से वार्तालाप का रास्ता फिर शुरू किया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी किसानों की इश्यूज को एड्रेस किया जा सके और रिजॉल्व किया जा सके। एके मिश्रा जी मुझे बोलने दीजिए जी। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र बोल रहे थे, इनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। इन्होंने धमकी भी दी है कि अगर सरकार ने बातें नहीं की या इनकी बातों को नहीं माना तो ये आंदोलन किसी और के हाथ में चला जाएगा। जो हम बोल रहे हैं पहले दिन से वही ये अब बोल रहे हैं, कलई खुल रही है इनकी धीरे धीरे। आप मुझे बताइए ना, ना आत्मा किसानों की है ना शरीर किसानों का है, MSP पे बात नहीं हो रही है, किसान से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे बात नहीं हो रही है। सरकार 12-12 बार 13-13 बार इनको बुला चुकी है, ये लोग बात करने को तैयार नहीं है, और तैयार है तो उल्टे सीधे लॉजिक लेके उल्टी सीधी माने देंगे। पहले बोलते थे MSP का मुद्दा है, फिर बोले नहीं जी ये पूरा दिल ही काला है, इसको सफेद करिए, इसको हटाइए। ये इन्होंने पूरे किसानों के मन की बात बोल दी है, धमकी दे दी है, पूरे देश को इन्होंने धमकी दे दी है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो अनार्की फैलेगी। जो इनका उद्देश्य है, ये पहले दिन से अनार्की फैलाना चाहते थे, दोनों बॉर्डर पे इन्होंने अनार्की फैलाई, अभी हत्या हुई वहां पे एक दलित किसान की, और इसके बाद अब इस अनार्की को ये लोग पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। ठीक है, अक्षांश भी आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं, अक्षांश की टिप्पणी मैं लेना चाहूंगा, उसके बाद मुराद जी आपके पास आए। इन्होंने यही तो बोला अक्षांश, अब मेरी भी बात को तो ध्यान सुन लिया, फिर मैं आपकी बात को सुनूंगा, आपकी बात का प्रत्युत्तर दूंगा। लेकिन लोकतंत्र में मैं उन्हें गंभीर लोग, बुद्धिजीवी लोगों का ये काम है पहले गंभीरता से
प्रश्न करना, फिर गंभीरता से उसका उत्तर लेना। आप भी प्रश्न कर देंगे, उत्तर दे देंगे, तो संभव नहीं होगा जी। एक बार हमको भी तो अपना पक्ष रखने दीजिए, समस्या कहाँ से क्रिएट हो रही, थोड़ा हम ही तो अपनी बात, हमने तो आपकी बात गंभीरता से सुनी, हम बिल्कुल गलत है आपकी बात लड़े साथ की साथ, तो भैया माने ले रहा हूँ, थोड़ा सुन तो लिया जाए, मेरा भी रिक्वेस्ट नहीं कही है, कही है, कही है। प्रशांत जल्दी से सुन लीजिए, अब समस्या कहाँ पे क्रिएट हो रही थी कि शुरू से लेकर के आखिर तक, अब जब हम हर चीज में गलत थे, हम आपके द्वारा जो कथन था मैं आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक चीज पर तो कम से कम, जब आपकी सब बात मैंने मान ली तो कम से कम एक बात आप मेरी मान लीजिए, इतने बड़े अरसे में आपने कह दिया किसी ने एमएसपी की बात नहीं की, किसी ने जितने ढेर सारे बिलों पर चर्चा नहीं की, आज तक सरकार ने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर, वो फोन कॉल कहाँ चला गया आई डोंट नो, कुछ पता नहीं चला, लेकिन उन सब बातों के बाद मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, किसने कॉल किया, टिकैत साहब ने कॉल किया, सरकार को कॉल किया, भैया हम कॉल कर रहे हैं, आइए बैठिए बात करते हैं, ओपन डिबेट करते हैं, ओपन चर्चा करते हैं, यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि हम क्या कॉल करेंगे, हम क्या बात करेंगे, हम हवाई जहाज तो फैलाएंगे, हम सड़कों को बंद कर दो, यहाँ तो ये बात हो रही है, अरे किसी का कम हो गई कि सरकार को एक ऊपर है, लेकिन हम किसान हैं, बैठिए ओपन फोरम से बात करते हैं, एके मिश्रा जी, क्या ये जो आंदोलन किसानों का है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा भटकाव इसमें आ गया है, या वो तय नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से सरकार को या फिर घेरना है, क्योंकि इसी मुद्दे पे हम देख रहे हैं कि जो किसान नेताओं का एक चेहरा है राकेश टिकैत, वो खुद वहां पे लखीमपुर पहुंचे थे, तब कहा था सब कुछ ठीक है, कार्रवाई हो रही है, परिवार के साथ शासन है प्रशासन है, अब जब एक बार फिर ऐसा हो रहा है तो हम आने वाले दिनों में क्या तस्वीर देखें, इसका जो असर है वो क्या होगा? वाला मुद्दा नहीं है, पहले दिन से ही ये वेल प्लान्ड था कि किसान के भेष में, किसान आंदोलन के भेष में सरकार को डीरेल करना है, ताकि जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो ना हो, इसके पहले भी आंदोलन यही हुआ था। मैं तीन पॉइंट पे, यानी जो बिल में जो तीन पॉइंट है उस पे लॉजिकल और साइंटिफिक डिस्कशन करने के लिए कोई किसान नेता नहीं आगे आ रहा है, चाहे वो टिकैत है, तो इनका जो छुपा हुआ एजेंडा था वो अब बाहर आ रहा है, छुपा हुआ एजेंडा यही था, रेल रोको, ट्रेन रोको, बस रोको, और आगे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ, आगे ये खेती किसानी की बात नहीं करेंगे, बिल की बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं कर रहा है, आगे ये यही करेंगे, अब यहाँ धरना देंगे, वहां प्रदर्शन देंगे, और आगे क्या होगा वो टिकैत ने और किसान नेताओं ने पहले ही बोल दिया है कि भाई चुनाव में हिसाब होगा, तो होना चाहिए, तो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम अराजकता फैलाएंगे, किसी और के हाथों में दे देंगे, हम हिंसा करेंगे, हम किसानों को बुलवा के यहाँ बैठा के उनकी जान के ऊपर खेलेंगे और चुनाव में हिसाब होगा। अरे इतना ही शौक है तो पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव में उतरिए ना, क्यों झूठ मूठ का मुखौटा किसान का लगा के बैठे हुए हैं, बंगाल ये जा रहे हैं चुनाव में, अरे खेती किसानी का बंगाल के चुनाव से क्या लेना देना है, आप मुझे बताइए ना, रामप्रताप मुखौटा उतर गया है, ये यही करेंगे, देखेंगे 2022 2024 का चुनाव क्या है।